तो क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास 9th चैप्टर फर्स्ट साइंस केमिस्ट्री। टॉपिक आज हम करेंगे कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। मैटर के बारे में हमें मालूम है एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। स्टेट जनरली हम मैटर की तीन ही स्टेट्स के बारे में पढ़ते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो ये करेंगे कि क्या मैटर मैटर जो भी है सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में, या लिक्विड से सॉलिड, या लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, या कोई भी एक स्टेट से दूसरी स्टेट हो सकता है या नहीं। जनरली इस क्वेश्चन के बारे में पूछेंगे तो सबको मालूम है हो सकता है। सबको मालूम है कि अपने फ्रिजेस में जो है वो लिक्विड वाटर रखते हैं और उसको आइस में कन्वर्ट कर देते हैं, या आइस बाहर रखेंगे मेल्ट हो जाएगी। टेम्परेचर चेंज करके और प्रेशर चेंज करके हम मैटर के स्टेट को चेंज कर सकते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन होता, क्वेश्चन यही होता, यही वाला, कैन वी चेंज द स्टेट ऑफ मैटर, अगर ऐसा क्वेश्चन होता तो आंसर में यही आता, यस, बाय चेंजिंग टेम्परेचर, बाय चेंजिंग टेम्परेचर एंड प्रेशर वी कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। यस, टेम्परेचर चेंज करके, प्रेशर चेंज करके हम किसी मैटर के स्टेट को चेंज कर सकते हैं। अच्छा, इसी के बाद एक एक्टिविटी डिस्कस करेंगे हम, देखेंगे तो एक्टिविटी अगले पेज पे। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर के चेंज का क्या इफेक्ट पड़ेगा? टेम्परेचर अगर हम चेंज करते हैं तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है? तो इस एक्टिविटी के अकॉर्डिंग आप डायग्राम में देखो, ये तो एक स्टैंड है, ये पूरा एक स्टैंड है, नीचे एक बर्नर है, बर्नर के ऊपर ये दूसरा स्टैंड जिसके ऊपर बीकर रखा हुआ है, बीकर में आइस पीसेस तोड़ के डाले हुए, आइस के टुकड़े तोड़ के डाले हुए, ब्रोक्ड आइस, और ये ग्लास स्टिरर है इसे हिलाने के लिए, और यहाँ पे ये डायग्राम में क्लियर आया नहीं हुआ है, थर्मामीटर लगाया हुआ है इसमें। ऐसे तुम अपने अपने बुक में देखोगे तो ये डायग्राम तुम्हें दिखाई दे जाए। तो ये थर्मामीटर लगाया हुआ है, ग्लास स्टिरर, बीकर, बीकर में आइस, नीचे बर्नर, ये आयरन स्टैंड हो गया सब चीजों को होल्ड करने के लिए। टॉपिक ये है कि आइस है तो आइस का टेम्परेचर शुरू में कितना है? आइस का टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस। जब हम नीचे से हीट देना शुरू करते हैं और रेगुलर ग्लास स्टिरर से इसे मिलाते हैं तो ये थर्मामीटर इसीलिए कि हम टेम्परेचर चेक कर सकते हैं। हम देखेंगे कि कुछ देर बाद भी 0 डिग्री सेल्सियस ही है, लेकिन पहले सिर्फ आइस था, अब कुछ आइस है प्लस कुछ वाटर है दोनों, लेकिन टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही है। थोड़ी देर के बाद हम फिर देखेंगे कि टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है और सारे के सारे आइस वाटर में कन्वर्ट हो गई है, और जब सारे आइस वाटर में कन्वर्ट हो जाती है उसके बाद टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू होता है, तब तक टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता। तो ये जब एक्टिविटी करते हैं तो दिमाग में एक बात जाती है कि रेगुलर जो हम हीट दे रहे थे उस हीट से टेम्परेचर इज ही नहीं हो रहा था, सिर्फ आइस किस में कन्वर्ट हुई? वाटर में। आइस किस में कन्वर्ट हुई? वाटर में। तो ये कौन सी हीट है और इस हीट को हम क्या नाम देंगे? अब हम देंगे बेटा, जो ये हीट हम दे रहे थे उस हीट को हम नाम देते हैं लेटेंट हीट ऑफ। यहां पे इस एक्टिविटी में हमने किसको किस में कन्वर्ट किया था? आइस को वाटर में। जब आइस को वाटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसे हम कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो
तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की डेफिनेशन क्या है? इट इज द हीट एनर्जी, द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड या द अमाउंट ऑफ The amount of heat energy that is required to change one kilogram of a solid into liquid at atmospheric pressure. वॉइस नहीं आ रही सर, आ रही। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज वन किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमोस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज latent heat of fusion. मीनिंग समझने की कोशिश करना बेटा, आपने latent heat of fusion समझा, आपके पास यहाँ पे सॉलिड कुछ, आपने उस सॉलिड को क्या दिया, हीट एनर्जी दी, और उसका टेम्परेचर जैसे अभी हमने आइस का देखा था, तो उस सॉलिड का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस था, वो सारा का सारा लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, लेकिन टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहा, और इस पूरे टाइम में जो हम उसे हीट देते रहे, जो हीट देते रहे, वो सारी की सारी हीट जिसने टेम्परेचर तो चेंज किया नहीं, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज वन किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमोस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एट लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. इसमें एक पॉइंट और डाल सकते हो, विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर. लेटेंट हीट नॉट चेंज द टेम्परेचर ऑफ द मैटर. लेटेंट हीट डज नॉट चेंजेस द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस. लेटेंट हीट कभी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर चेंज नहीं करती. सेम टेम्परेचर, 0 था 0 ही, स्टेट चेंज की है, लेटेंट छिपी हुई, ये हीट टेम्परेचर की फॉर्म में दिखाई ही नहीं दी, इसलिए इसे लेटेंट हीट कहा है हमने. फिर ये लेटेंट हीट करती क्या है, फिर ये लेटेंट हीट करती क्या है, इसको समझने के लिए आप ये समझ सकते हो, जब सॉलिड थी कोई ऑब्जेक्ट तो उसके पार्टिकल एक दूसरे के बिल्कुल नजदीक थे, तो इन पार्टिकल में क्या था, इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था. क्या था? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो लेटेंट हीट इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करती है, ओवरकम यानी इन फोर्स को ब्रेक करती है, ब्रेक. ये फोर्सेस ब्रेक हो जाएंगे तो ये पार्टिकल दूर दूर हो जाएंगे, दूर दूर, और दूर दूर हो जाएंगे तो ये इनकी स्टेट चेंज होगी है, क्योंकि ये सॉलिड थे और दूर दूर हो गए तो ये लिक्विड होगी, और लिक्विड को फिर ज्यादा हीट करेंगे, ये अपने बॉइलिंग पॉइंट पे जाएगा तो ये गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब, ध्यान से देखना, जब कोई लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है, किसमें, गैस में, उस टाइम जो हीट हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसे हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ, जैसे ऊपर सॉलिड को लिक्विड में क्या, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन थी, अब लिक्विड को गैस में करेंगे तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, वेपर्स यानी लिक्विड किस में कन्वर्ट हो गए, गैस में कन्वर्ट. तो लेटेंट हीट बहुत इंपॉर्टेंट है. ये कहाँ पे है ये पूरा टॉपिक, आप अपनी बुक में देखोगे, ये देखो यहां, ये जो हमने दोनों डायग्राम किए, इसके बाद ये पोर्शन आपका,
व्हेन सॉलिड मेल्ट इट्स टेम्परेचर रिमेन द सेम, जब सॉलिड मेल्ट होता है टेम्परेचर सेम रहेगा तो ये हीट क्या करती है, कहाँ जाएगी ये हीट? ये क्वेश्चन और इसका आंसर ये लास्ट में लिखा हुआ है। दिस हीट गेट यूज, ये आंसर हम आप कर लो, दिस हीट गेट यूज इन चेंजिंग दी, ऊपर जाओ बुक के, स्टेट बाय ओवरकमिंग दी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दी पार्टिकल, पार्टिकल के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करती है। हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय आइस विदाउट शोइंग एनी राइज इन द टेम्परेचर, देयरफॉर इट इज कंसिडर्ड दैट इट गेट हिडन इनटू द कंटेंट ऑफ द बीकर एंड इज नोन एज लेटेंट हीट। यहाँ पहली बार लेटेंट हीट का नाम आया है। डेफिनेशन नीचे दी हुई है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमोस्फेरिक प्रेशर At its melting point is known as latent heat of fusion. दूसरा, temperature जिस पे कोई liquid boil करना start होता है उसे boiling point कहते हैं। तो what is boiling point? Liquid जिस temperature पे boil करना start होगा उसे boiling point कहेंगे। Boiling is a bulk phenomena. Boiling is a bulk phenomena. Bulk phenomena का मतलब है कि पूरे का पूरा जो water है वो एक साथ हीट एब्जॉर्ब करेगा और हर जगह के पार्टिकल जो है वेपोराइज हो जाएंगे, इसीलिए बॉइलिंग को बल्क फिनोमिना कहते हैं। बहुत सारे पार्टिकल एक साथ एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। एक ये छोटा सा टॉपिक है, इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत ज्यादा है। 100 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस में 273 ऐड करेंगे तो केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। एक्चुअली हीट की ऐसा यूनिट केल्विन है, और केल्विन और सेल्सियस में क्या रिलेशन है? सेल्सियस में जब 273 ऐड करते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? केल्विन। ये फॉर्मूला याद रखना। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इसी लास्ट पैराग्राफ में दे रखा है। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कब? जब लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा, वॉटर वेपर जब लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा तो वही लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद पेज पलटते हैं और हमारे पास जो नया टॉपिक है वो आ जाता है, सबलिमेशन। सबलिमेशन, ये सबलिमेशन क्या है? देखो, हमने दो चीजें पढ़ी, पहले सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस, ऐसा ही पढ़ा। सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड। अब सॉलिड से सीधा गैस और गैस से सीधा सॉलिड विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड इज कॉल्ड सबलिमेशन। तो सबलिमेशन के डेफिनेशन नीचे देखो इस डायग्राम के, तो डिफाइन सबलिमेशन, डिफाइन सबलिमेशन अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इन टू लिक्विड स्टेट और वाइस वर्सा इज कॉल्ड सबलिमेशन। एक ऐसा प्रोसीजर, ऐसा फिनोमिना जिसमें सॉलिड सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस वापिस सीधी सॉलिड में सबलिमेशन। एग्जाम्पल से याद कराता हूं मैं तुम्हें, बाथरूम में ओडोनिल वगैरह यूज करते हैं, हैंग करते हैं, वो सॉलिड होती है, थोड़े दिन बाद वो गायब हो जाती है और बिना लिक्विड में चेंज किए गैस में कन्वर्ट होती है, प्रोसेस सबलिमेशन। घरों में फिनोफ्थिलीन की बोल्स, कपड़ों में मम्मियां यूज करती हैं, कीड़े वगैरह ना लग जाए, सर्दियों के कपड़े जब रखते हैं, टैबलेट, गोल गोल टैबलेट कपड़ों में दबा के रखती हैं, वो धीरे धीरे टाइम के साथ साथ इवेपोरेट हो जाते हैं, सीधा गायब हो जाते हैं सॉलिड से गैस में विदाउट चेंजिंग इन टू लिक्विड, दैट इज सबलिमेशन। तो सबलिमेशन एक सब्सटेंस यहाँ पे नाम दिया, कॉमन नेम तो कैम्फर है, वैसे साइंटिफिक नेम है अमोनियम क्लोराइड, एक्टिविटी 1.13 अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड एक सबलाइम सब्सटेंस है, कह रहा है इसे अगर क्रश कर दो, तोड़ दो टुकड़ों में, पुट एन इन्वर्टेड फनल, एक चाइना डिश में रखो, ये देखो क्रश करके अमोनियम क्लोराइड रख दिया, इसके ऊपर ये फनल रख दी हमने, फनल के माउथ पे कॉटन लगाया, नीचे अमोनियम क्लोराइड है, नीचे हमने हीट किया, हीट करने से सॉलिड अमोनियम क्लोराइड डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट होगा और ऊपर उड़ेगा, ऊपर जाने के बाद फनल से टकराएगा और उसी पे चिपक जाएगा, तो सॉलिड से किस में कन्वर्ट हुआ? गैस में।
इसीलिए इस फिनोमेना को सब्लिमेशन कहते हैं। ये ध्यान रखना, नेक्स्ट चैप्टर में ये दोबारा आएगा, ठीक है। अगला टॉपिक है बेटा, ये क्वेश्चन यही बनता है, हाउ कैन वी लिक्विफाई गैसेस। यहाँ क्वेश्चन लिख लो अगले डायग्राम के नीचे, अगला डायग्राम तुम्हारे पास सामने है, देखो ये क्वेश्चन है। यहाँ क्वेश्चन लिखो, हाउ वी कैन लिक्विफाई गैसेस। गैसेस को हम लिक्विड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? आंसर ये नीचे डायग्राम के नीचे, बाय अप्लाइंग प्रेशर, या नीचे वाला बाय अप्लाइंग, ये वाला भी आंसर, दोनों ही आंसर है। अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर, प्रेशर बढ़ा के और टेम्परेचर को कम करके हम गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो हम सीएनजी फिल कराते हैं, लिक्विड होती है, एलपीजी सिलेंडर में आती है, लिक्विड होती है, लिक्विड ऑक्सीजन के सिलेंडर। अभी कोरोना में आप लोगों ने बहुत सुने होंगे, तो गैस को लिक्विड में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, प्रेशर बढ़ा देते हैं और टेम्परेचर कम कर देते हैं, इससे जो गैस के पार्टिकल ऊपर डायग्राम में देखो वो नजदीक और नजदीक आ जाते हैं और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। कुछ गैसेस ऐसी होती हैं जो डायरेक्ट बिना लिक्विड में कन्वर्ट किए अगर आप प्रेशर बढ़ा दो, टेम्परेचर कम कर दो, तो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है, गैस सॉलिड में। एग्जाम्पल क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक सबलाइम सब्सटेंस है, सबलिमेशन पर शो करती है। अगर इसे हाई प्रेशर में स्टोर करते हैं और इसका टेम्परेचर रिड्यूस कर देते हैं, तो ये सीधा सीधा विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट डायरेक्टली चेंजेस इनटू सॉलिड, और इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई गैस भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाई कार्बन गैस इज कॉल्ड ड्राई आइस, सूखी बर्फ। तो कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस क्यों कहेंगे? बिकॉज इट डायरेक्टली चेंजेस फ्रॉम गैस टू सॉलिड और सॉलिड टू गैस। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज आइस। व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर, रिड्यूस द प्रेशर, इट डायरेक्टली चेंजेस इनटू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट, देयरफॉर इट इज कॉल्ड ड्राई आइस। इसी पेज पे नीचे एक डायग्राम दिया हुआ बेटा, इस पे बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ तीन स्टेट आपको दिखा दी, लिक्विड, गैस और सॉलिड। लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होने को वेपोराइजेशन डेफिनेशन है ये, और गैस से लिक्विड में चेंज होने को कहते हैं कंडेंसेशन। तो व्हाट इज वेपोराइजेशन? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड वेपोराइजेशन। What is condensation? The process of conversion of gas into is called condensation. Same solid से सब directly gas में sublimation and vice versa gas से solid में भी sublimation. Solid से liquid में convert होना fusion कहलाता है और fusion से solid में convert होना solidification कहलाता है. Clear हुआ? अगला topic आपको दिखाई दे रहा होगा evaporation. इससे पहले आपने एक टॉपिक पढ़ा था वेपोराइजेशन, वेपराइजेशन, वेपराइजेशन यानी लिक्विड। वेपोराइजेशन का क्या मतलब था? लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है, किस पे? बॉइलिंग पॉइंट पे, यानी अगर वाटर है तो 100 डिग्री तक बॉइल करो फिर वो गैस में कन्वर्ट होगा, तो उसे हमने कहा वेपोराइजेशन। लेकिन इवेपोरेशन ऐसा नहीं है, इसमें भी लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है बट एट एवरी एनी टेम्परेचर बिलो दी बॉइलिंग पॉइंट। डेफिनेशन लास्ट में दी हुई है। यहाँ पे आंसर, फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। इसका मीनिंग समझना, आप कपड़े सुखाते हो, उन कपड़ों में जो लिक्विड वॉटर है सारा गैस में कन्वर्ट होकर उठ जाता है, कपड़े सूख गए, तो आपने कपड़ों को 100 डिग्री तक बॉयल नहीं किया फिर भी वॉटर वेपर में कन्वर्ट होकर चला गया। आपने पोचा लगाया, सारा पानी थोड़ी देर में सूख गया, तो वो भी इवेपोरेशन है। जहां पे आप हीट नहीं दे रहे हो बॉइलिंग पॉइंट तक फिर भी वाटर वेपर हो रहा है, वो सब इवेपोरेशन है, ठीक है। गर्मी में हमें पसीने आए, थोड़ी देर में पंखे के नीचे वो सूख जाते हैं, दैट इज इवेपोरेशन। तो फिनोमिना जिसमें लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है बिना बॉइलिंग पॉइंट तक टेम्परेचर के पहुंचे, उसे इवेपोरेशन कहेंगे।
अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा बुक से वो मैं करवाऊंगा, बाकी तुम कर सकते हो। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉयलिंग। बॉयलिंग और इवेपोरेशन में डिफरेंस बताना है। तो हमने कहा था ना, बॉयलिंग थोड़ी देर पहले पढ़ा था, बॉयलिंग इज ए बल्क फिनोमिना, इवेपोरेशन इज ए सरफेस फिनोमिना। इवेपोरेशन में सिर्फ सरफेस, पहले ऊपर वाले सरफेस के वाटर मॉलिक्यूल वेपर कन्वर्ट हो, उससे नीचे वाले सरफेस और फिर उससे नीचे वाले सरफेस। जैसे कि अगर आप एक ड्रॉप वाटर टेबल पे डाल देते हो तो उसे इवेपोरेट होने में काफी टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप उसे फैला दो, स्प्रेड कर दो, तो सारे वाटर मॉलिक्यूल डायरेक्ट एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आ जाएंगे और बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा। यानी इवेपोरेशन सरफेस पे डिपेंड करता है। अगर हम डिटेल में पढ़े तो फैक्टर इफेक्टिंग इवेपोरेशन, फैक्टर किस किस पे डिपेंड करता है, चार पॉइंट साइड में ही दिए हुए हैं। पहला देखो, इंक्रीज इन सरफेस एरिया, जो अभी अभी हमने डिस्कस किया, पहला पॉइंट यही लिखा है, इवेपोरेशन इज ए सरफेस फिनोमिना। पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमिना है। इफ द सरफेस एरिया इंक्रीज्ड, द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस। अगर सरफेस एरिया बढ़ा देंगे, रेट ऑफ बढ़ जाएगा। देखो आप एक बात समझो, आपके पास एक गिलास वाटर है, उसे टेबल पे रख दो, कई दिनों तक वो वाटर इवेपोरेट नहीं होगा, उस गिलास के अंदर ही रहेगा। लेकिन अगर उसे एक गिलास वाटर को पूरे फर्श के ऊपर आप स्प्रेड आउट कर देते हो दूर तक, तो वो दो मिनट में ही, कुछ टाइम में ही इवेपोरेट हो जाएगा। यानी अगर आप एरिया बढ़ाओगे तो इवेपोरेशन बढ़ेगा। तो इवेपोरेशन डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन सरफेस एरिया, रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग इन द एरिया। पुटिंग क्लोथ, कपड़े भी जब आप स्प्रेड करके सुखाते हो तो जल्दी सूखते हैं, अदरवाइज इकट्ठे ऐसे डाल देते हो जल्दी नहीं सूखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, व्हाइल इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, सबको पता है कि इवेपोरेशन फास्ट कब होगा, जब टेम्परेचर ज्यादा होगा, यानी जब बाहर धूप ज्यादा होगी तो कपड़े जल्दी सूखेंगे। मोर नंबर ऑफ पार्टिकल, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ज्यादा पार्टिकल एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, एनर्जी एब्जॉर्ब करके उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, मोशन बढ़ेगा, और जिसकी वजह से वो वेपोराइज्ड हो जाएंगे। वेपोराइज होने का मतलब है उस सरफेस को छोड़कर उड़ जाएंगे जिसपे वो है, बाकी वाटर मॉलिक्यूल्स को। थर्ड है डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी का क्या मतलब है, में दिया हुआ है ह्यूमिडिटी अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, एयर में कितने वाटर वेपर प्रेजेंट है, इसी को ह्यूमिडिटी कहते हैं। The air around us cannot hold more than a definite amount of water vapor. हमारे आसपास की एयर एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वाटर वेपर को ही होल्ड कर सकती, उससे ज्यादा को नहीं कर सकती। अगर पहले से ही एटमोस्फेयर में वाटर वेपर ज्यादा है, ऑलरेडी हाई पहले से ही ज्यादा है, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हो जाएगा, हमारे कपड़े नहीं सूखेंगे। बरसात का मौसम है तो कपड़े जल्दी नहीं सूखते, क्यों, एटमोस्फेयर में पहले ही वाटर वेपर बहुत ज्यादा है। तो पहला पॉइंट था, सरफेस एरिया इंक्रीज होने से इवेपोरेशन इंक्रीज होगा, दूसरा टेम्परेचर इंक्रीज होने से भी इवेपोरेशन इंक्रीज होगा, थर्ड ह्यूमिडिटी डिक्रीज होने से इवेपोरेशन इंक्रीज होगा, और फोर्थ विंड स्पीड, हवा की स्पीड। कपड़े कब ज्यादा सूखेंगे, जब हवा की स्पीड ज्यादा होगी तब कपड़े ज्यादा सूखेंगे, या स्पीड की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है। तो इन इट इज कॉमन ऑब्जर्वेशन, क्लोथ ड्राई फास्टर ऑन ए विंडी डे, हवा तेज चल रही है तो कपड़े जल्दी सूख रहे हैं, विद इंक्रीज इन विंड। ऐसा क्यों, क्योंकि हवा की स्पीड जब ज्यादा है तो जो पार्टिकल है वाटर के, वाटर वेपर जो अभी अभी कपड़े से बाहर निकल के कपड़े के आसपास इकट्ठे हुए हैं, हवा उन्हें दूर ले जाती है, जिसकी वजह से कपड़े के आसपास की एयर में वाटर वेपर कम है और कपड़े से इवेपोरेशन जल्दी हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया है कि विंड स्पीड के साथ भी इवेपोरेशन बढ़ेगा, ह्यूमिडिटी कम होने से इवेपोरेशन बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने से बढ़ेगा, और सरफेस एरिया बढ़ने से इवेपोरेशन बढ़ेगा। ये कुछ कॉमन बातें थी।
नेक्स्ट टॉपिक इवेपोरेशन का इस्तेमाल कैसे किया भाई हमने। इवेपोरेशन में होता क्या है, जैसे ये वाटर मॉलिक्यूल है, ये इनके नीचे भी वाटर मॉलिक्यूल है, तो जो सबसे ऊपर वाले वाटर मॉलिक्यूल है जो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है, ये एटमॉस्फेयर से एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे और नीचे वाले मॉलिक्यूल से भी एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे और एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे। तो इससे यहाँ पे एनर्जी का लॉस हो जाएगा, हीट का लॉस हो जाएगा, जिसकी वजह से कूलिंग होगी। क्या होगी? कूलिंग होगी। इसी चीज को कैसे यूज किया देखना, हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। द पार्टिकल ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग। ये लिक्विड के पार्टिकल जो इवेपोरेट होने वो आसपास से एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेंगे। टू रिगेन दी एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग इवेपोरेशन, इवेपोरेशन में जो एनर्जी का लॉस हुआ है उसको पूरा करने के लिए, दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग मेक द सराउंडिंग कोल्ड, और इसी वजह से आसपास जो है वो ठंडा हो जाता है। आप देखा होगा छतों के ऊपर गर्मियों में छतों पे छिड़कते हैं, रोड पे पानी छिड़कते हैं, तो पानी छिड़कते हैं क्या होगा, वो पानी सारा इवेपोरेट होगा और हीट को एब्जॉर्ब करके ले जाएगा, जिसकी वजह से जो है वो हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो। यहाँ पे व्हाट हैपेंस व्हेन यू पोर सम एसीटोन नेल पॉलिश रिमूवर ऑन योर पाम। आप सबने अपने हथेली के ऊपर, हाथ के ऊपर नेल पॉलिश रिमूवर लगा के जरूर देखा होगा। आपने देखा होगा अचानक बहुत ठंडा फील करते हो आप लोग, क्यों? द पार्टिकल गेन एनर्जी फ्रॉम योर पाम। जो नेल पॉलिश रिमूवर है वो हाईली इवेपोरेटिंग सब्सटेंस है, वो बहुत जल्दी इवेपोरेट होगा, उसके लिए उसे एनर्जी चाहिए। तो कहाँ से एनर्जी लेगा? हमारी हथेली से एनर्जी खींच लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, और हमारी जो हथेली है, पाम है, उससे जब एनर्जी का लॉस होगा तो हमें कैसा फील होगा? हमें कूल, ठंडा फील करेंगे। तो यहाँ पे ये ऊपर क्वेश्चन है और नीचे उसका आंसर है, तो ये क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में ही ये पैराग्राफ दे रखा है। नेक्स्ट, अभी अभी हमने डिस्कस किया था, पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ और ओपन ग्राउंड, व्हाई? ओपन ग्राउंड ऐसा करके व्हाई? तो यहीं पे ये क्वेश्चन है और इसी में इसका आंसर है, बिकॉज लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन यानी लिक्विड को गैस में बदलते हुए जो हीट की जरूरत पड़ती है वो हीट एब्जॉर्ब कर लेते हैं सराउंडिंग से, हेल्प कूल दिस हॉट सरफेस, और जिससे वो जो गर्म सरफेस है जहां पे आपने पानी डाला है वो ठंडा हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक नीचे ही दिया हुआ है, फिर क्वेश्चन की फॉर्म में, व्हाई शुड वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर। हम गर्मियों में कॉटन के कपड़े क्यों पहनते हैं? क्यों? क्योंकि कॉटन जो है वो गुड एब्जॉर्बर है, गुड एब्जॉर्बर, और हमें जो पसीना स्वेट आता है कॉटन उसे एब्जॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्ब, और उसे एक्सपोज करेगा एटमॉस्फेयर में, इवेपोरेशन होगा और हमें जो है हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कम हो जाएगा। तो यहाँ नीचे इसका आंसर है, क्लियर है? लास्ट टॉपिक, व्हाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट ऑन आउटर सरफेस ऑफ ग्लास कंटेनर आइस क्लोज वाटर। आपने देखा होगा अगर किसी ग्लास के अंदर आपने बिल्कुल ठंडा आइस क्लोज बहुत ठंडा पानी डाल दिया है तो उसके बाहर भी वाटर ड्रॉपलेट दिखाई देंगे, आसपास गीला हो जाएगा सारा। तो ऐसा कैसे? वाटर बाहर तो नहीं आ सकता, एक्चुअली ग्लास कंटेनर जो है वो ठंडा हो जाता है एटमॉस्फेयर के अंदर जो वाटर वेपर है वो जब ग्लास से टकराएंगे तो उनकी हीट जो है वो ग्लास एब्जॉर्ब कर लेगा, और वो जब अपनी हीट लॉस कर देंगे तो वापस गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। यानी जो बाहर वाटर आपको दिखाई दिया ये बाहर के एटमोस्फेयर का वाटर है। वी विल सी वाटर ड्रॉपलेट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द टम्बलर, द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर ऑन कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद द कोल्ड वाटर ऑफ कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर लॉसेज एनर्जी एंड गेट कन्वर्टेड इन टू लिक्विड स्टेट। तो ये क्वेश्चन और ये नीचे इसका आंसर है, क्लियर है? यहाँ हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है, क्वेश्चन आंसर फिर डिस्कस करेंगे।